Why formic acid is stronger acid than acetic acid? सवाल ये है कि फॉर्मिक एसिड एसेटिक एसिड से स्ट्रांग एसिड क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम एसेटिक एसिड को देखें तो यहाँ पर अल्किल ग्रुप मौजूद है, और अल्किल ग्रुप क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। यहाँ पर जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इसी वजह से यहाँ से एच प्लस आसानी के साथ नहीं निकल सकता। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर एसिडिटी डिक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम फॉर्मिक एसिड को देखें तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ से एच प्लस आसानी के साथ निकल सकता है। तो यहाँ से एच प्लस आसानी के साथ निकल सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू एसेटिक एसिड। अगर हम इसकी पीकेए वैल्यू की बात करें तो इसकी पीकेए वैल्यू तकरीबन 3.15 है। फॉर्मिक एसिड की पीकेए वैल्यू तकरीबन 3.15 है और एसिटिक एसिड की पीकेए वैल्यू तकरीबन 4.15 है, तो इसी वजह से ही फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। दैट्स ऑल अबाउट व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ओके, थैंक्स।